हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी। मैंने बचपन में कई बार इस रेसिपी को खाया है। मेरी मम्मी बहुत ही मज़ेदार इस रेसिपी को बनाती थी, और भी कई टाइप के सालने मेरी मम्मी बनाती थी जो आजकल अवेलेबल नहीं है। जो जायका मेरी माँ के हाथ में था वो तो आजकल नहीं मिलता। जो रेसिपीज़ वो बनाया करती थी उसका टेस्ट मैं ढूंढती रह जाती हूँ, तो वो मेरे बच्चों के साथ ना हो इसीलिए मैं बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपीज़ जो वक्त के साथ पीछे छूट रही हैं उस रेसिपीज़ को मैं वापस लाने की कोशिश कर रही हूँ। तो उसी सिलसिले में आज मैं ये रेसिपी लेकर आई हूँ। इसका नाम है दुप्याज़ा। आप में से कई सारे व्यूअर्स इस रेसिपी को जानते भी होंगे और किसी के लिए तो बिल्कुल नई होगी। तो इस रेसिपी में ऐसी क्या खास बात है ये जानने के लिए आज का वीडियो आपको एंड तक देखना होगा, क्योंकि इस रेसिपी में मैं करी का इस्तेमाल यानी कि कच्चे आम का इस्तेमाल नहीं करूंगी। कच्ची इमली को यूज़ करते हुए आज की रेसिपी मैं बनाने वाली हूं। तो बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, तो बिना स्किप किए आज का वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिए। तो आज मैं ये रेसिपी बना रही हूँ मटन को यूज़ करते हुए। अगर आप चाहे तो सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए चिकन से भी ये रेसिपी बना सकते हैं। तो मैंने मटन लिया है 300 ग्राम। तो मटन लेंगे बोन के साथ तो इसका जायका बहुत ही बढ़िया रहता है। तो मटन को मैंने अच्छे से धो लिया है। तो चलिए अब आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसमें डाल देंगे हस्बे ज़रूरत नमक, साथ में डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। आज के दुप्याजे का कलर हमें रेड नहीं रखना है, तो इसलिए लाल मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल कम करेंगे। तो हरी मिर्च हमें ज़्यादा डालना होगा, तो इसलिए मैं लाल मिर्च बिल्कुल कम डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून। 1 टीस्पून डालेंगे गार्लिक और जिंजर का पेस्ट। अब इसमें मैं ऑनियन डाल रही हूँ बड़ी साइज की एक। तो ऑनियन इसमें 2 बार डालना होगा, तो छोटे साइज की एक ऑनियन को अलग से कट करके रख लेंगे, इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। हस्ब ज़रूरत हरी मिर्च को भी कट करके इसमें डाल देंगे। अब डाल देते हैं तकरीबन 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। जैसे कि आप देख रहे हैं इसे बनाना बहुत ही आसान है, ये बनने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप भी इसे बना सकते हैं। तो इसे देखिए बिल्कुल आसानी से इस तरीके से सारे मसाले डालने के बाद अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद गैस पे रख के थोड़ी देर पका लेना है। तो बहुत ही आसानी से आप भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो मेरे तरीके से आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। उम्मीद है आपको भी ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए ये तो अच्छे से मिक्स हो गया है, तो अब इसे रख देते हैं गैस पे। ये देखिए 3 हरी मिर्च मैंने बचा के रख लिया है, तो इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। तो साथ में मैंने एक छोटी साइज की ऑनियन भी कट करके रख लिया है। इसे कब यूज़ करना है मैं आपको आगे बताऊंगी। साथ में ये देखिए कच्ची इमली है, तो इसको भी स्किन निकाल कर इसका बीच में का बीज निकाल कर इसमें इसे भी हम इस रेसिपी में यूज़ करेंगे। वो कैसे करना है मैं आपको आगे बताऊँगी। तो जब भी सीज़न होता है तो मैं कच्ची इमली को फ्रीज़र में स्टोर करके रख लेती हूँ। जब भी इस तरीके की कोई भी रेसिपी बनाना हो उसमें मैं कच्ची इमली को यूज़ करती हूँ। तो ये पूरे साल भर आप यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो मैंने देखिए गैस पे रख दिया है, तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हुए थोड़ी देर तक पका लेंगे, यानी कि 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पर पका लेंगे। तो आज की रेसिपी की खास बात यह है कि इसका कलर हमें ब्राउन नहीं करना है, ना ऑनियन का ना ही मटन का। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखिए, इसीलिए हमें थोड़ी देर गैस की फ्लेम हाई और थोड़ी देर मीडियम रखते हुए इसे थोड़ी देर तक पका लेना है। ये देखिए पकना तो स्टार्ट हो गया है। इसमें से अदरक लहसुन की बढ़िया सी खुशबू आ रही है। तो अदरक लहसुन को एक बार हम ग्राइंड करके रख लेंगे तो तकरीबन 1 से 2 महीने तक आराम से यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो उसे कैसे स्टोर करना है, बिल्कुल आसानी से आप स्टोर करके रख सकते हैं। इसे ग्राइंड करते वक्त इसमें लेमन जूस डाल के ग्राइंड करेंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, ना ही उसका कलर बदलेगा ना ही उसकी स्मेल बदलेगी। तो आप जिस तरीके से फ्रेश रखे हैं बिल्कुल उसी तरीके का वो रहेगा लास्ट डे तक भी। एक बार अदरक और लहसुन को ग्राइंड करके रख लेंगे तो कोई भी नॉनवेज की रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। इसे हाई फ्लेम पर पकते हुए तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं,
दो और थोड़ी देर तक इसी तरीके से पका लेंगे। तो इसे हमें ओवरकुक नहीं करना है, इस बात का ज़रूर ख्याल रखिए, क्योंकि इसे हमें दोबारा भी पकाना है इमली और प्याज को डालकर। इसलिए पहली बार ही इसे हम ज़्यादा कुक कर देंगे तो इमली और प्याज के साथ जब इसे हम दोबारा पकाएंगे तो ये ओवरकुक हो जाएगा और इसका जायका बिगड़ जाएगा। इसीलिए पहली बार इसे हमें तकरीबन 90% तक ही पकाना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 95% तक पका सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं पकाना है, इस बात का ज़रूर ख्याल रखिए। इस रेसिपी को देखते हुए आपकी भी यादें ताज़ी हो गई हों तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ में बेल बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं इस तरीके के मज़ेदार से रेसिपीज अपलोड करूँगी तो आपको उसके नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएंगे। तो ये देखिए, इसे पकते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं, तो इसे और बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे वरना इसका कलर बदल जाएगा। तो इसका कलर हमें नहीं बदलना है, इसको बिल्कुल इसी कलर में रखना है। तो अब इसमें हम डालेंगे पानी, तो पानी डाल देते हैं 1/2 कप, यानी कि मटन को गलाने के लिए जितना पानी की ज़रूरत होगी उतना पानी डालिए। तो आपका कुकर में जितना पानी लगेगा मटन को गलाने के लिए उतना पानी डालिए। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप पानी। पानी डालने के बाद एक बार फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसके बाद इस पर लिड लगाएंगे और इसे प्रेशर कुक कर लेंगे। तो मैं इस पे लिड लगाने के बाद एक विसिल हाई फ्लेम पर लगाकर गैस की फ्लेम लो करके तकरीबन 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पर रखकर गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी, स्टीम निकलने का वेट करूंगी। उसके बाद जब स्टीम निकल जाएगी तो फिर चेक कर लेंगे मटन गला है या नहीं। ये देखिए, कुकर की स्टीम तो निकल गई है, तो चलिए अब हम मटन चेक कर लेंगे। देखिए, मटन तो अच्छे से गल गया है, तो आप इस तरीके से हाथ से चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए, अच्छे से गल गया है, बस थोड़ी सी कसर बाकी है। तो जब इसमें हम इमली और ऑनियन डालकर पकाएंगे तो ये अच्छे से गल जाएगा। पहले ही हम इसे अच्छे से गला लेते, यानी कि 100% गला लेते तो जब इमली और ऑनियन डाल के पकाते तो ये बहुत ज़्यादा गल जाता और इसका जायका बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए इस बात का ज़रूर ख्याल रखिए, मैक्सिमम 95% तक ही इसे पकाना होगा, उससे ज़्यादा अगर पकाएंगे तो इस रेसिपी का जायका ख़राब हो जाएगा। तो अब इसमें डाल देते हैं कटी हुई हरी मिर्च और कच्ची इमली। तो ये देखिए, इमली के मैंने स्किन निकालने के बाद इसमें के बीज भी निकाल दिया है, तो इसमें डाल देंगे। तो आप हसबी ज़रूरत इमली डाल सकते हैं, जितनी खटास आप पसंद करते हो उतनी इमली इसमें डाल दीजिए। जो ऑनियन हमने कट करके रखा था वो भी इसमें ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप कच्चा आम यानी कि करी को यूज़ करते हुए दुप्याज़ा बनाना चाहते हो तो कच्ची इमली को स्किप कर दीजिए, इस स्टेज पे करी को डालकर सेम स्टेप को फॉलो करते हुए ये रेसिपी बना सकते हैं, उसका जायका भी बहुत ही लाजवाब रहता है। दोनों रेसिपीज बहुत ही मज़े के होते हैं, आप दोनों रेसिपीज ट्राई कर सकते हैं। तो अब इसमें डाल देते हैं हरी धनिया। तो गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो करके तकरीबन 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे। ऐसे करने की वजह से प्याज और इमली अच्छे से पकेगी लो फ्लेम पर, तो उसका फ्लेवर ग्रेवी में छूटेगा, मटन इसके फ्लेवर को अच्छे से अब्सॉर्ब करेगी, तो उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। तो देखिए, इसे तो अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो अब इस तरीके से इसे थोड़ा सा गैप रखते हुए ढकेंगे और इसे 2 मिनट तक लो फ्लेम पर पका लेंगे। अच्छा, तो इस रेसिपी में अगर आप ऑनियन साबुत रखना चाहते हो तो स्टेज पे गैस की फ्लेम को बंद करके आप डिश आउट कर सकते हैं। तकरीबन ये 1/2 कुक हो चुकी है, तो आप स्टेज पे गैस की फ्लेम बंद कर सकते हैं, लेकिन लो फ्लेम पर मैं और थोड़ी देर इसे पका लूंगी। जैसे आपको पसंद हो वैसे इसे रख सकते हैं। देखिए, इसे लो फ्लेम पर पकते हुए तकरीबन 4 मिनट हो गए हैं, कच्ची इमली का दुप्याज़ा भी बन के तैयार हो गया है, इसमें से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही है। तो अब इसके ऊपर थोड़ा सा डाल देते हैं कटी हुई हरी मिर्च और हरी धनिया। एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे गैस की फ्लेम बंद करके, इसे डिश आउट करके गर्मा गर्म वाइट राइस के साथ सर्व करेंगे। तो आज की दुप्याजे की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए फिर मिलते हैं कोई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, बाय बाय।